दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के सुरहा चट्टी चौक पर बीती रात शॉर्ट सर्किट से जो लक्ष्मी वस्त्रालय है उसमें आग लगने की खबर आई है। आपको बता दें कि लाखों का नुकसान, दुकानदार ने कहा कि लाखों का नुकसान हो गया है, जिसमें जो आधा से ज़्यादा कपड़ा था वो सब जलकर खाक हो गया है। ऐसे में दुकानदार ने बताया कि कितने माल का नुकसान हुआ है और ये सामने जो दृश्य देख रहे हैं ये कपड़ा ही है जो जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें कि लगातार दुकानदार का एक ही यहाँ पर गुहार लगा रहा है दुकानदार की कैसे भी 3 लाख रुपये से ऊपर का जो सामान जला है वो कैसे भी इंश्योरेंस के जरिए मुझे मिल जाए, क्योंकि दुकानदार ने पूरे दुकान का इंश्योरेंस करा रखा था। ऐसे में हमसे बात करते हुए दुकानदार जो मालिक हैं उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपको बता दें कि जो छोटे दुकानदार होते हैं वो छोटे छोटे खासकर जो कम पैसा लगाकर अपना दुकान खोलते हैं, और ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना या किसी हानि से अपने दुकान में ये जो आगजनी की घटना हुई है, ऐसे में उन्हें लगभग लाखों का सामान हो गया है। वो पतोर थाना जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन लिखवाया है और जो थाने के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर आकर निरीक्षण भी किया है और निरीक्षण के दौरान जो कंप्लेन था वो लिखा गया है। आइए सुनते हैं उनसे कि उन्होंने क्या कहा इस अवसर पर। दुकान जिस तरह सब दिन बंद करके जाते हैं उसी तरह गए, घर पहुंचने के बाद वहां 5 मिनट के बाद फोन आया कि दुकान से धुआं निकल रहा। हम किसी तरह दुकान पर पहुंचे, जब तक वहां के लोगों ने ताला तोड़ के पानी से झोंकना चालू किया, बंद कर दिया। जब तक पहुंचे कपड़ा लत्ता आधा से बेसी जल चुका था, पानी से रिजेक्ट हो चुका था। क्या लग रहा है कैसे आग लगा होगा? वो शॉर्ट सर्किट से लगा। शॉर्ट सर्किट से ये देखिए पता चला कि शॉर्ट सर्किट। हाँ देखे हम तो। क्या वहाँ पर जो वायर था वो सही नहीं था पहले से? सही तो था, मगर सर कैसे आग लग गया वो कहना मुश्किल है, मगर देखे तार सब जला हुआ। किस चीज़ का कपड़ा का दुकान था आपका? कपड़े का, सारी रेडीमेड कपड़े का दुकान। सारी रेडीमेड। कितने साल से वहाँ कर रहे थे? 9 साल से। 9 साल से। ये घटना पहली बार हुआ? हाँ पहली बार हुआ। अच्छा, कहाँ पर दुकान है आपका? सुरहा चट्टी। सुरहा चट्टी में कहाँ पर है ये? मेन चौके पर है। मेन चौके पर है। उसके बाद क्या आपको फिर क्या क्या किया आप लोग, कैसे आग बुझाए वहाँ पर? वहाँ का आदमी सब पानी से बालू झोंक के आग बुझाया, ताला तोड़ के। अच्छा, सामान बचा कि नहीं उसमें? थोड़ा सामान तो 8-9 जल गया, 8-9 बचा हुआ है। 8-9 बचा है। हाँ। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 3.75 लाख का हुआ। 3 लाख पानी पड़ जाने के बाद कपड़ा आधा से बेसी बर्बाद हो। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? वहाँ जो हम थाना गए हैं, थाना में रिपोर्ट किए हैं। कितना रिपोर्ट लिया? थाना। हाँ रिपोर्ट ले लिया। अच्छा, उसमें के लिए उसके लिए कुछ बोला भी थाना की? कुछ खर्चा लगेगा या ऐसा कुछ? नहीं कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं। हाँ आए थे रिपोर्ट ले लिया। हाँ हाँ रिपोर्ट ले लिया। इसके लिए आप क्या चाहते हैं? मेरा मुआवजा मिलना चाहिए। हम इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, दुकान से लोन लिए हैं दुकान के नाम पर। अच्छा, अभी कहाँ पर आए थे? अभी हम आए थे हैप्पी डिविड बनवाने के लिए। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार ठाकुर। घर? निमैठी।